गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन माई केमिस्ट्री क्लास. येस्टरडे वी हैव कम्प्लीटेड दिस डॉक्यूमेट्री. टुडे वी विल सी लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स. एज इट्स नेम इंडिकेट, लिमिटिंग रिएजेंट्स, रिएजेंट इट मीन्स इट इज़ द लिमिटिंग वन. वॉट इज लिमिटिंग इट? इट इज़ लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. बट हाउ इट इज लिमिटिंग, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं आपको एक कप चाय बनाने को कहूँ, या मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे चाय बना के दीजिए, तो आप चाय के लिए क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल करोगे? चाय की पत्ती होगी, चीनी होगी, दूध होगा, पानी होगा, ठीक है. ये हो गया आपके रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट हो गया आपका द रेडीमेड टी, ठीक है. तो अभी जब आपको मैंने चाय बनाने को बोला, आपको मैंने 4 चम्मच चाय की पत्ती दी, पानी भी सफिशेंट अमाउंट में है, दूध भी सफिशेंट अमाउंट है, लेकिन चीनी अगर मैंने आपको 1 चम्मच दिया है, तो आप कितने कप चाय बना सकते हो उससे, बताइए मुझे. आप 1 कप ही बना पाओगे ना, बिकॉज चीनी आपको मैंने 1 ही चम्मच दी है. सो योर अमाउंट ऑफ टी विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द अमाउंट ऑफ टी, सॉरी द अमाउंट ऑफ शुगर. जितना शुगर है उतना ही चाय आप बना पाओगे, है ना, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपके पास सफिशिएंट है, लेकिन शुगर आपके पास मिनिमम है. तो शुगर विल डिसाइड दैट हाउ मच कप्स ऑफ टी यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट. सो द अमाउंट ऑफ शुगर विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट हियर, ठीक है. मतलब वो किसी भी रिएक्शन में, वो रिएक्शन का वो कंपोनेंट, जैसे अभी तो हमने टी बनाया, ठीक है, अभी हमने क्या बनाया, टी बनाया. अगर हमें कोई रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन में कौन होगा, रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है. तो रिएक्टेंट में एक भी रिएक्टेंट हो सकता है, दो भी रिएक्टेंट हो सकता है. मान लीजिए ए प्लस बी इज फॉर्मिंग सी, ठीक है. तो बी का अमाउंट, अभी तो आप देख रहे हो कि तीनों के एक एक मोल ये बना रहे हैं, एक मोल ए, एक मोल बी से मिल करके एक मोल सी बना रहा है, ठीक है. अभी हम अगर बी का अमाउंट 0.5 मोल कर दें, इसको 1 मोल ही रहने दें, तो क्या सी 1 मोल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि सी को बनाने के लिए हमें बी का भी 1 मोल चाहिए. सो द दैट रिएजेंट विच डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन, दैट विल बी कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. मतलब किसी भी रिएक्शन में जो रिएजेंट सबसे कम अमाउंट में होता है, वही डिसाइड करता है कि रिएक्शन के बाद कितना प्रोडक्ट बन पाएगा. जैसे कि मैंने आपको चाय का एग्जाम्पल दिया, अगर मैं चाय, चीनी, पानी, दूध सब आपको दूँ, तो जो चीज़ सबसे कम अमाउंट में होगी वही डिसाइड करेगी कि कितनी चाय बन पाएगी, ठीक है. अगर मैंने आपको चाय की पत्ती 1 चम्मच दी है, शुगर आपके पास सफिशिएंट है, पानी भी सफिशिएंट है, दूध भी सफिशिएंट है, लेकिन चाय की पत्ती सिर्फ 1 चम्मच है, तो कितनी चाय बन पाएगी ये कौन डिसाइड करेगा? द अमाउंट ऑफ द टी लीव्स, ठीक है. तो टी लीव्स विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है. तो किसी भी रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करता है, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, विट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. जो सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, जैसे आपने जब चाय की पत्ती डाली, तो 1 ही चम्मच चाय की पत्ती आपके पास है, आपने उसको डाल दिया, अब उसके बाद आप डाल ही नहीं सकते, तो अब उतना ही पानी है, उतना ही चीनी, उतना ही दूध आप डाल पाओगे, है ना. तो जो सबसे पहले कंज्यूम होता है किसी भी रिएक्शन में, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट का. अभी इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है. आपको दिख रहा होगा यहाँ इसी पोर्शन में, बिफोर दैट लेट मी रब दिस. ओके, आपको यहाँ दिख रहा होगा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट. इस पोर्शन में देखिए, वन रिएक्टेंट इज मोर अगर आपको सीधे लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट इस पोर्शन में दिया हुआ है, तो आप ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आप नहीं लिखे, सीधे सीधे हम लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिखते हैं. लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिल रही है, ठीक है. द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट
लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। ये हो गई हमारी लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आया होगा लिमिटिंग रिएजेंट आपको। इसका कॉन्सेप्ट ऊपर के पैराग्राफ में दिया था जो मैंने आपको अभी समझाया, लेकिन डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमें कैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है और उसके बेसिस पे हमें कैसे प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, इट कैन बी सीन इन द प्रॉब्लम नंबर 1.5। प्रॉब्लम नंबर 1.5 जो मयंक का शायद कन्फ्यूजन भी था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं उत्कर्ष आपका क्वेश्चन लेना चाहती हूँ जो आपने मुझे एक दिन भेजा था, जिसका सलूशन प्रिया ने दिया भी था। प्रिया, दैट वाज वेरी करेक्ट सलूशन, लेकिन आपको मुझे नहीं लगता कुछ समय समझ में आया होगा, आपने कहीं से कॉपी किया होगा, लेकिन आज मैं आपको वो आप खुद ही कर लोगे, आप समझ पाओगे उसको। ठीक है, तो लेट अस मूव दैट क्वेश्चन, पहले हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट मी फाइंड दैट क्वेश्चन। This was the question. Copper carbonate is forming copper oxide and carbon dioxide. ठीक है, ये copper carbonate copper यहाँ cupric form में है, plus two plus one दो state होती है copper की, higher will be always called एक and lower state will be always called us. तो यहाँ क्यूपरस नहीं बल्कि ये क्यूप्रिक फॉर्म है, दिस इज क्यूप्रिक कार्बोनेट एंड इट इज फॉर्मिंग क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना कॉपर कार्बोनेट चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर से बढ़ते हैं, इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट मी मूव दैट। ओके, व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज कॉपर कार्बोनेट इज कन्वर्टिंग इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, इट इज 11.2 लीटर एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो अभी आप सबको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो यही लिमिटिंग होगा, इसी का अमाउंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे प्रोडक्ट में है। ठीक है, अभी आप इस रिएक्शन को देखिए, दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री पता करने के लिए उसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले, तो अभी तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब सीधे से स्टोकियोमेट्री को देख के हम क्या कह सकते हैं, वन मोल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट इज फॉर्मिंग वन मोल ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका एक मोल और इसका एक मोल बनाएगा। ठीक है, अभी ये कह रहा है 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा। 11.2 लीटर को पहले तो आप मोल्स में कन्वर्ट करिए, और क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज़ अकरिंग एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, उसके वन मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो अब आप इससे ये निकाल सकते हैं कि ये कितना मोल है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, द वॉल्यूम गिवन दैट इज 11.2 लीटर एंड अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी दैट इज 22.4 लीटर, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल्स, मतलब ये आधे मोल की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, देखेंगे लिमिटिंग यही है, एक ही है तो यही लिमिटिंग है, तो अगर इसका एक मोल इसके एक मोल को बनाता है तो इसका 0.5 मोल किससे बनेगा, इसका 0.5 मोल इसके 0.5 मोल से बनेगा। ठीक है, तो अब आपको 0.5 मोल का मास निकाल लेना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 0.5 मोल का मास कैसे निकालेंगे, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, 0.5 मोल का मास हम कैसे निकालेंगे, पहले आपको क्यूप्रिक कार्बोनेट का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे। ठीक है,
उसके बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं 0.5 मोल्स, आपको यहाँ पे यही मास निकालना है जो पूछा गया है, कितना अमाउंट क्यूप्रिक कार्बोनेट का चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप इसका मॉलिकुलर वेट निकाल लेंगे, उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। प्रिया ने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया था दैट वॉज वेरी मच करेक्ट, और मुझे लगता है अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट, स्टॉक्योमेट्री और प्लस मोल कॉन्सेप्ट तीनों को इस्तेमाल करके हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। सो उस समय पे मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने इन तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कायदे से बताया नहीं था अभी तक। अभी तक हमारी स्टॉक्योमेट्री की भी क्लास नहीं हुई थी, लिमिटिंग रिएजेंट की भी क्लास नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को उस समय नहीं डील किया, अभी हम लोग इसको डील कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर फर्दर मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो हमारा हमें प्रॉब्लम नंबर 1.5 डिस्कस करना था, वी हैव टू डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 1.5, वेयर इज इट, दिस वन, प्रॉब्लम नंबर 1.4, प्रॉब्लम नंबर 1.5, क्या है ये प्रॉब्लम। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, N2+3H2 गिविंग राइज टू 2NH3, ठीक है। ये बैलेंस्ड हो गया रिएक्शन, हमने बैलेंस कर लिया। अब इस रिएक्शन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसकी स्टॉक्योमेट्री समझ में आ रही होगी, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको नाइट्रोजन का मिनिमम 1 मोल होना चाहिए और हाइड्रोजन का मिनिमम 3 मोल्स होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना पाएंगे। अब हम लोग बात चेक करते हैं कि रिएक्शन में जो अमाउंट दिया है वो कितने मोल्स है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, रिएक्शन में दिया है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब 50 kg नाइट्रोजन को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए आप, kg को पहले आपने ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इसको अगर आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो 50 × 1000 करेंगे, दैट इज द गिवन मास अपॉन इट्स एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, एक का नाइट्रोजन इज N2, एक का मॉलिक्यूलर मास 14 है तो 2 का 28 से इसको डिवाइड कर लेंगे, आपको यहाँ से नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन भी यहाँ केजी में ही दिया हुआ है, हाइड्रोजन का अमाउंट इसमें दिया हुआ है 10 kg ऑफ हाइड्रोजन, तो अगेन आप हाइड्रोजन के मोल्स निकालने के लिए 10 × 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हैं एटम्स तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो सो इट शुड बी डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों के मोल्स निकालने के लिए निकाल लिया आपने, अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि अमोनिया कितना बन रहा है, अमोनिया कितना बन रहा है। अब आपको पहले आपने देखा इस रिएक्शन में कि इस रिएक्शन में हमने देखा कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन अमोनिया के 2 मोल्स को बना रहे हैं, लेकिन अभी हमें जो मिला है वो कितना मिला है, हमें नाइट्रोजन का मिल रहा है, ये आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो अमोनिया का अमाउंट सॉरी नाइट्रोजन का अमाउंट आएगा नंबर ऑफ मोल्स में 4.96 लगभग 5 मोल के आसपास आएगा, ठीक है, और ये लगभग 5 मोल आएगा, और हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ मोल्स सॉरी नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स आएगा लगभग 17 और 18 मोल्स, ठीक है, 17.86 × 10^2 मोल्स, और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स आएगा 4.96 × 10^3 मोल, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो इसके 1 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन के 1 मोल से हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो अभी जो हमें अमाउंट मिला है उसमें नाइट्रोजन हमें लगभग 18 मोल के आसपास मिल रहा है, और 18 × 10^2 मोल्स के आसपास मिल रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो 5 × 10^3 मोल्स के आसपास मिल रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सो 17.86 × 10^2 मोल्स नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, लगभग 5.36
इंटू 10^3 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। इतना हाइड्रोजन तो हमें मिला नहीं है, हमें मिला है 4.96 इंटू 10^3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आप इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए नीचे, मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। चलिए मुझे पहले इसको क्लियर करने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट किया गया है, फिर हम आगे देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। अब एक मोल से तीन मोल रिएक्ट करता है तब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन अभी 17.56 × 10^2 मोल नाइट्रोजन का हमें मिला हुआ है, तो इससे कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। इससे रिएक्ट करने के लिए हमें हाइड्रोजन का अमाउंट चाहिए लगभग 5.36 × 10^3 मोल, लेकिन हमें इतना तो मिला नहीं, हमें मिला इतना है, तो यानी ये कम है, तो लिमिटिंग कौन हो गया, हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब हाइड्रोजन का अमाउंट ही डिसाइड करेगा कि कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है। अभी हाइड्रोजन में हमने देखा कि हाइड्रोजन के थ्री मोल्स अमोनिया के दो मोल्स बनाते हैं, तो अब हाइड्रोजन के जितने मोल्स हमें मिले हैं यानी इतने मोल्स 4.96 × 10^3 मोल्स से कितना अमोनिया बनेगा, आप इसको सिंपली निकाल लीजिए, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे इसको हम लोग, थ्री मोल से दो मोल बनता है तो 4.96 × 10^3 मोल से कितना बनेगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई थ्री कर लेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ठीक है अमोनिया फॉर्म, दैट विल बी ये लगभग आएगा 3.3 × 10^3 आगे सॉल्व किया होगा, ये देखिए यहाँ पे 4.96 से कितना हमें मिल रहा है, इतना मिल रहा है, तो इतना ही अमोनिया बनेगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या किया है कि इसको फिर ग्राम में कन्वर्ट करिए, तो नंबर ऑफ मोल्स में हमें अमोनिया मिला है तो नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया गया, मतलब इसको मास में कन्वर्ट कर लिया गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, यू विल यूज द फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का 17, तो इसमें आप अगर 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये लगभग 56,000 ग्राम अमोनिया आएगा या लगभग 56 किलोग्राम अमोनिया आएगा, ठीक है। ये आगे सॉल्व किया गया है, इस रिएक्शन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और इसको सॉल्व करके समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मयंक, आई थिंक योर प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ, अगर इस फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।